अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। दरअसल मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर आज हिंदू पक्ष के लिए खुशखबरी का दिन है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाते हुए शाही ईदगाह परिसर में सर्वे को मंजूरी दे दी। जल्द सर्वे के लिए कमीशन का गठन किया जाएगा, जिसके बाद परिसर का सर्वे होगा। कोर्ट से सर्वे की मंजूरी पर AIIMM ने सवाल भी उठा दिए। असदुद्दीन ओवैसी का कहना यह है कि वॉरशिप एक्ट की अनदेखी की जा रही है। जब दशकों पहले मथुरा विवाद सुलझ गया तो फिर इसे क्यों उठाया जा रहा है। राधे राधे। सनातन की भावनाओं को, सनातन को मिटाने का जो प्रयास किया गया था, उस प्रयास को चाहे देर से ही सही मिटाने का कार्य अब कानूनी तौर पर प्रारंभ हुआ है। आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो हमारी मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे कराया जाए, उस सर्वे की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है। मैं सोचता हूँ कि कोर्ट में जो दो पक्ष जाते हैं, दोनों सत्य की जीत चाहते होंगे। इसलिए मैं नहीं समझ पाया कि मुस्लिम पक्ष को इससे क्या विरोध था। निष्पक्ष लोग, विशेषज्ञ लोग वहां सर्वे करेंगे, उस सर्वे में से जो सच सामने आएगा उसको कोर्ट को बताएंगे। जब कोर्ट ने स्वीकार कर लिया तो जांच हो जो है होना चाहिए, क्योंकि हम जब हम जो है हिंदुस्तान के निवासी है तो हिंदुस्तान का संविधान मानते हैं, तो संविधान का जो है संविधान पे विश्वास रखते हैं। आप श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कर रहे हैं। आप देखिए, मैं आभार व्यक्त करता हूँ इलाहाबाद खंडपीठ का, जिनके नेतृत्व में एसआई सर्वे का अनुमति आ गई। होता क्या था कि विपक्षी मेरा भागता था, इसलिए वो डरता था सर्वे को लेकर। न केवल हमारी मथुरा बल्कि मथुरा वृंदावन और यहां के सभी तीर्थ इस श्रृंखला में पिछले 9 वर्षों से लाभान्वित होकर के इस अभियान का हिस्सा बने हैं। मथुरा और ब्रज भी विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। फिलहाल ये जो फैसला सामने निकल के आया कृष्ण जन्मभूमि केस को लेकर, उसके बाद काफी उत्साह जो है वो यहाँ पर हिंदू धर्मगुरुओं में नजर आ रहा है। और इसके साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कन्हैया शर्मा हमारे साथ मथुरा से जुड़ चुके हैं, विशाल रघुवंशी लखनऊ से हैं, आशीष सिंह गोरखपुर से हैं, सत्यप्रकाश अयोध्या से हैं, मोहम्मद गुफरान प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कन्हैया का ही हम रुख करते हैं। कन्हैया, जो फैसला सामने निकल के आया है वो जाहिर तौर पर उत्साहित कर रहा है तमाम लोगों को और खासकर हिंदू पक्ष को। लोगों की क्या राय यहां पर से निकल के आ रही है? लोगों से जाहिर तौर पर आपने बातचीत भी की होगी, लोग इस फैसले को लेकर कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं? देखिए, आज के न्यायालय के आदेश के बाद हिंदुओं में, हिंदू जो पक्ष है उसमें काफी खुशी की लहर है। और हम मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के दरवाजे पर हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से यह मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को किस तरीके से सजाया गया है, क्योंकि काफी समय से यहाँ पर जो काम लाइटिंग का चल रहा था वो बिल्कुल पूरी तरीके से हो गया। किस अलग नजारे से श्री कृष्ण जन्मभूमि को आप देख सकते हैं, लाइटिंग पूरी तरीके से जगमगा रही है। ये मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का नजारा था और मथुरा के लोग यहाँ, जो हिंदू पक्ष के लोग भी हमारे साथ हैं, यहाँ पर साधु संत और कई लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जो आज मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में जो फैसला आया है उसके लिए आज जन्मभूमि पर पहुंच रहे हैं। महाराज जी, किस तरीके से देख रहे हैं आज न्यायालय के आदेश को? देखिए, ये सनातनियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो फैसला सुनाया गया है,
हम सभी उसका स्वागत करते हैं। जहां तक बात देखिए, बहुत संतों का तो यही काम है कि ऐसे धार्मिक स्थल जहां भी हैं, जैसे अयोध्या की बात है तो अयोध्या पर संतों ने कहा, अयोध्या हुई हमारी, काशी में है कसमकस जारी, अब है मथुरा की बारी और आगे ताजमहल से तेजो महालय की है तैयारी। तो अब हम ठान चुके हैं कि माननीय न्यायालय द्वारा ही जो फैसला आएगा वही मान्य होगा, क्योंकि मुसलमानों का जो व्यवहार पिछले दिनों रहा है, यानी कि इतिहास की अगर हम बात करें, 353 साल पहले औरंगजेब ने विवादित ढांचा वहां हमारे ठाकुर केशव देव जी का मंदिर तोड़कर जो वहां बनाया था उसको बहुत जल्द ध्वस्त करने का माननीय न्यायालय द्वारा जो निर्णय सुनाया जाने वाला है, हम सभी उसका इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तो एक भी मुसलमान भारत ही नहीं, पूरे विश्व में नहीं था। जब मुसलमान ही नहीं था तो मस्जिद कहां से आ गई? तो ऐसे विवादित ढांचे को हम आशा करते हैं कि माननीय न्यायालय द्वारा बहुत जल्द हटाया जाए और वहां ठाकुर केशव देव मंदिर का निर्माण कराया जाए। जहां तक देखा जाए जी, लेकिन बात करते, जब मुस्लिम पक्ष न्यायालय में दलील रखता है कि मंदिर अपनी जगह बनी हुई है और ईदगाह अपनी जगह है, फिर क्यों विवाद को राजनीतिक तौर पर उछाला जा रहा है, तो उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मुसलमानों का तो इतिहास ही रहा है कि इनको तो यही लूटपाट करते हुए औरंगजेब की नीतियों पर चलने की कुछ मुसलमानों को आदत है, वही उसको स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन अब भारत के अंदर सत्य स्थापित हो चुका है, सत्य ही ईश्वर है। ठीक, चलिए, लोग जो हिंदू पक्ष के कह रहे हैं सत्य स्थापित हो चुका है, जाहिर तौर पर हिंदू पक्ष की तरफ ही फैसला आया है और हिंदू पक्ष काफी खुश है इस फैसले से।